लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, रामलला विराजमान की स्थिति को देखते हुए 22 जनवरी से पहले हर राज्य में उत्सव का आयोजन हो रहा है। बात सिर्फ भारत की ही नहीं, पूरी दुनिया में जहां भी सनातनी रहते हैं वो इस उत्सव में शामिल होने के लिए व्यग्र हैं, और इसके संदर्भ में जो जहां पर है वहां पर अपने हिसाब से अपने अंदाज में उत्सव मना रहा है। अमेरिका में भी उत्सव मनाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत शनिवार को हो गई, और इसमें सनातनी इकट्ठा हुए और एक कार रैली का आयोजन अमेरिका के उपनगर वाशिंगटन में किया। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका DC इस इकाई के अध्यक्ष महेंद्र सापा ने पूरी जानकारी दी है। एक कार रैली का आयोजन किया गया है और 22 जनवरी के पहले एक महीने तक यहां पर राम मंदिर की झांकी से लेकर राम मंदिर और राम के जन्म और राम की सारी कलाओं के संदर्भ में उत्सव का आयोजन अमेरिका के अन्य शहरों में भी किया जाएगा। कुल मिलाकर के सनातनियों की कोशिश है कि 22 जनवरी को, जिस दिन रामलला 12 बजे दिन से लेकर 2 बजे दिन तक विराजमान होंगे, उस दिन पूरी दुनिया में उत्सव मनाया जाए, और उसके संदर्भ में सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। अमेरिका, ब्रिटेन सहित तमाम देशों में ये उत्सव मनाया जाएगा। अमेरिका में उत्सव को लेकर के विशेष तैयारियां की जा रही हैं, जिसकी शुरुआत शनिवार को हो गई। लोग हर एक सनातनी से एक स्थान पर इकट्ठा होकर के भगवान राम का गुणगान करने, उनके भजन कीर्तन करने और उनके संदर्भ में जानकारी देने की भी बात कर रहे हैं। एक दूसरे से जानकारियों का आदान प्रदान भी किया जा रहा है, और ये बाकायदा विश्व हिंदू परिषद के फॉरेन इकाई के सभी पदाधिकारी सक्रिय हो गए हैं, और अमेरिका में सक्रियता विशेष तौर पर देखी जा रही है। विश्व हिंदू परिषद ऑफ अमेरिका DC इकाई के अध्यक्ष महेंद्र सापा के मुताबिक, हिंदुओं के 500 वर्ष के संघर्ष के बाद भगवान श्री राम का उद्घाटन किया जा रहा है। हम इस खुशी में अगले साल 20 जनवरी को लगभग 1000 अमेरिकी हिंदू परिवारों के साथ वाशिंगटन में एक ऐतिहासिक उत्सव आयोजित कर रहे हैं। उत्सव में रामलीला आयोजित की जाएगी, श्री राम की कथाएं सुनाई जाएंगी, श्री राम की पूजा की जाएगी, भगवान श्री राम एवं उनके परिवार के लिए भजन गाए जाएंगे। इस उत्सव में अलग अलग आयु वर्ग के लोग भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित लगभग 45 मिनट की ऐसी प्रस्तुति देंगे जो अमेरिका में पैदा हुए बच्चों को समझ में आ सके। इसी संदर्भ में सह आयोजक और एक तमिल हिंदू नेता प्रेम कुमार स्वामीनाथन ने तमिल भाषा में भगवान श्री राम की स्तुति की, और अमेरिका में 20 जनवरी को आयोजित होने वाले उत्सव में सभी परिवारों को आमंत्रित किया। On 20th of January we are having an amazing event. We are expecting more than 1000 people there. We want the entire Indian community to come together and celebrate this holy and auspicious occasion, which is going to come only once in a lifetime for all of us. We will have cultural events, including one of its kind Ramlila there, cultural dances, we'll have bhajans, we'll have pujan, and of course we'll have dinner. So please come and oblige us and celebrate with us this auspicious event. Jai Shri Ram! 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजेंगे, और 20 जनवरी को अमेरिका में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। विश्व हिंदू परिषद इस कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, और जितने भी सनातनी अमेरिका में रह रहे हैं उन सब को आयोजन में शामिल होने के लिए कहा है। इसी तरीके से ब्रिटेन सहित तमाम अन्य देशों में 22 जनवरी के पहले कार्यक्रम के आयोजन करने की पूरी सूचना है। क्या कुछ होगा ये जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि सनातनी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में जहां भी जिस स्थिति में है वो 22 जनवरी के पहले भगवान राम का स्तुतिगान करेंगे, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के संदर्भ में जानकारियां आपस में एक दूसरे से बांटेंगे, और सनातन के प्रति
उत्सुकता और लगन से काम करने का एक स्वप्न जो उन लोगों ने देखा है उसको साकार करने की कोशिश करने का आह्वान करेंगे। और सभी भारत में सनातन मजबूत हो, पूरी दुनिया में सनातन मजबूत हो और भारत विश्वगुरु बनकर पूरी दुनिया को लीड करे, ये आह्वान होगा। इस आह्वान में विश्व हिंदू परिषद कितना सफल होगा ये देखना होगा। लेकिन आप इस संदर्भ में अपनी क्या राय दे रहे हैं, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।